हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। एमसीओ 5 में ये अपलोड कर रहा हूं। एमसीओ 5 का जो प्लेलिस्ट है, आपको वहां पे सारी की सारी वीडियोस वन बाय वन मिल जाएंगी, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कॉमर्स की पाठशाला में आपको विजिट करना है। ये हमारे चैनल का नाम है कॉमर्स की पाठशाला। नीचे में आपको आना है एमकॉम या इग्नू एमकॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। यहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 तक की, और आईबीओ 6 1 से लेकर के एमसीओ 7 तक की सारी वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल है, जिनको देख करके आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है ना? तो चलिए फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। मैं जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाता हूँ ये डायरेक्टली बुक से होती है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। आप बुक में खोलोगे तो भी आपको सेम टॉपिक्स मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं ताम झाम करके कहीं और से चीजें ला करके आपको नहीं बताता, मैं डायरेक्टली आपको बुक से बताता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और ये सारी चीजें अगर आप बुक में लिखोगे, एग्जाम में लिखोगे, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि बजटिंग होती क्या है। देखो, बजटिंग का मतलब होता है पहले से प्रिडिक्ट करना कि आपका इस चीज में इतना खर्चा होगा और आपने उस चीज के लिए पैसे अलॉट कर दिए, दैट इज कॉल्ड बजटिंग। सपोज आपका एक महीने का खर्चा जो है तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए आप ग्रोसरी में खर्चा करते हो। आपने बजट बनाया कि अगले महीने मेरे घर पे ये प्रोग्राम होने वाला है, तो मे बी हमारा जो खर्चा है वो बढ़ करके 5 हजार रुपए हो जाएगा। तो आपने एक बजट बनाया, आपने एक एस्टिमेट अमाउंट बनाया जिसमें आपने ये डिसाइड करा कि इतना खर्चा हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे बजटिंग, है ना? बजटिंग का मतलब होता है प्री एस्टिमेट करना आपके खर्च होने के पहले और पैसे को अलॉट करना। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट अ प्लान्ड एक्टिविटी हैज बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस देन अ अनप्लान्ड वन। वही बात बोली जा रही है कि आपको पता है कि कोई भी प्लान्ड एक्टिविटी ज्यादा सक्सेसफुल होने की चांसेस रहती है विद कंपैरिजन टू अनप्लान्ड वन। द बजटिंग इज अ फॉरवर्ड प्लानिंग एंड इफेक्टिव कंट्रोल टूल। बजटिंग को एक फॉरवर्ड प्लानिंग और इफेक्टिव कंट्रोल टूल बोला जाता है, और यहाँ पे कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं जो कि मैं एक एक करके अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टूल टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड इंक्रीज रिवेन्यू एंड देयर बाई मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। बजटिंग एक तरीके से आपके कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, रेवेन्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और ये दोनों चीजें अगर आप कर पाओगे तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा वो, है ना? तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारा बजटिंग। सो एज टू नो प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड बेस्ट प्रोडक्शन लेवल, है ना? तो ताकि आपको जो है आपका डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन में आपका प्रॉफिट कितना हुआ ये आपको पता चल सके, और आप अपने प्रोडक्शन लेवल को भी बढ़ा सको, राइट? दूसरा पॉइंट है, बी नंबर पॉइंट है टू रन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन एफिशिएंट मैनर बाय ले बिहाइंड द चांसेस ऑफ इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यू टू लैक ऑफ मटेरियल और लेबर प्रोसेस, है ना? देखो, आपने सुना होगा कि समटाइम्स क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे होते हो उसका मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, लेबर अवेलेबल नहीं होता, तो आप चीजों को कर नहीं पाते। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो बजटिंग और अनप्लानिंग का होता है। जब आप प्लान नहीं करते चीजों को तो आपको दिक्कत होती है। अब सपोज आपने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है कि इतना खर्चा होगा मेरा, इतना मटेरियल पड़ेगा, तो आपने उसके लिए एक बजट तैयार किया कि भाई इतना खर्चा होगा मेरा, जिसमें मैं इतने सारे मटेरियल लेकर के आ जाऊंगा, इतने लोग मैं लेकर के आ जाऊंगा, मेरा काम ठीक तरीके से चलते रहेगा। तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं उसको ठीक तरीके से चलाने के लिए, एफिशिएंट मैनर में चलाने के लिए आपको जो है जरूरत पड़ती है बजटिंग की, और बजटिंग इसी कारण से जो है हेल्पफुल होता है, और ये एक तरीके से इंटरप्शन प्रोवाइड नहीं होने देता, इंटरप्शन नहीं होने देता प्रोडक्शन प्रोसेस में। सो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव बजटिंग का। तीसरा पॉइंट है टू ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इंटरप्राइजेस। जो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इंटरप्राइजेस का आपको पता है कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंट्रोलिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने का काम भी बजटिंग करती है। आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा सुनकर के, बट हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने में भी बजटिंग बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि जब भी आप बजटिंग करोगे ना तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके आप अपनी बजटिंग करोगे। बहुत बार ऐसा होगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द बजट, आपको पता चलेगा पैसे आपके पास नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा सारे लोगों के बीच में, लेकिन बजट अगर आपके पास होगा, पैसे अगर आपके पास होंगे, तो वो सारी चीजें आप कर पाओगे, और बजटिंग आपको ये करने में हेल्प करता है। डी नंबर पॉइंट है टू इनकॉर्पोरेट मेजर्स ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ डेविएशंस फ्रॉम बजटेड रिजल्ट एंड एनालिसिस ऑफ द सेम, है ना? जब आप बजट तैयार करते हो तो उसके बेसिस पर जो भी डेविएशंस हो रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप उसको ठीक तरीके से कैलकुलेट कर पाते हो, आप समझ पाते हो कि जो आपने बजट तैयार करा था और एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या डेविएशन है,
है ना, वेयर बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड एंड कंट्रोलिंग मेजर्स एक्शंस कैन बी टेकन। अब जब आप ये चीज कर पा रहे हो तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो। जब आपको पता है कि इतना ही खर्चा होने वाला है और आपको लगा कि भाई खर्चा ज्यादा हो गया, तो क्यों खर्चा हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सेट कर सकते हो किसी के ऊपर, और साथ ही साथ आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक तरीके से मेजर कर सकते हो और किसी भी तरह का एक्शन आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो। लोगों के ऊपर नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जिस डेविएशन हो रहा है उसके कारण जो भी कैलकुलेशन आप करोगे उसमें अगर किसी भी तरह का चेंजेस आ रहा है तो आप मेजर कर पाओगे या फिर एक्शन ले पाओगे और चीजों को ठीक कर पाओगे। राइट, ई नंबर पॉइंट की बात करते हैं, फिर जो है हमारा एक पॉइंट और बचेगा, टू इंश्योर दैट एक्शंस टेकन आर इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट्स एंड इफ रिक्वायर्ड टू टेक सुटेबल करेक्टिव एक्शंस, है ना। तो बजट के अकॉर्डिंग जब आप बजट तैयार करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक्शंस भी लेते हो आपके अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, और इनकेस अगर किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो आप उसमें करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हो, मतलब आप उसको ठीक करने के लिए भी कोई एक्शन ले सकते हो जिसे हम करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। तो ये हेल्प होता है आपको जब आप बजटिंग करते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और आखिरी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, टू प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन फॉर बेटर फाइनेंशियल पोजीशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन बेटर मैनर, है ना। तो जब आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो उस केस में डेफिनेटली बजटिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चाहे फ्यूचर शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हो या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हो, उसको ठीक तरीके से समझने के लिए या फिर उसको ठीक तरीके से चलाने के लिए या फिर आपके वर्किंग कैपिटल के अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के लिए आपको बजटिंग की आवश्यकता पड़ती है, और बजटिंग इस चीज में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। So, ये सारे थे ऑब्जेक्टिव्स बजटिंग के। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं बात करूंगा एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में बजटिंग की, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।